जो मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना, आज हम सॉल्व करने क्या है ना 2024 जो नीट APYQ उसकी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। उस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं टाइप से लिखा है आरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चे आपको ये देखना है कि जो चैप्टर है ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है, क्लास 11 का चैप्टर है। क्या है? क्लास 11 का चैप्टर है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन है, उसका क्वेश्चन है। आपको ये देखना है, क्वेश्चन पूछ रहे कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चे देखो, फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वही होता है जो पहला इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल से, जैसे एक एटम है, सपोज दिस इज वन एटम है, जस्ट अ मिनट, दिस इज वन एटम है, तो ये है एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराऊंगा दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और डेल्टा IH1 तो फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। पर यहां पे हमें देखना है कि बच्चे देखो कि ये कहता है कि लिथियम दिया है, बोरोन दिया है, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स हमें दिया हुआ है। पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, बा आयनाइजेशन एंथैल्पी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसका होगा। 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है, इस ऑप्शन से हमें चूज करना है कि फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। अच्छा, यहां पे हमें ध्यान से देखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेसिकली ये जो एलिमेंट है एक पीरियड की इंडिकेट करता है, जो सेकंड पीरियड है जिसमें लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन लाइक दिस आगे के एलिमेंट्स है, बट अप टू नाइट्रोजन तक दिया हुआ है। बच्चे देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये 5 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर है? 5 फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स के ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। इसलिए थोड़ा सा इसको जजमेंट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, पर जो मेन फैक्टर है ना वो जेड इफेक्टिव है, बा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बच्चे जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करता है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ हम जाते हैं तो साइज छोटा हो जाते हैं, जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ना बढ़ता जाता है और साइज क्या होता है छोटा हो जाता है। जब साइज छोटा हो जाता है दैट मींस आप देखो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाती है। क्या होता है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो इसकी ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मैं और भी ज्यादा एनर्जी यहां सप्लाई करनी पड़ेगी। समझ पाए? तो इसलिए आपको ये देखना है कि लेफ्ट टू राइट क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाता है। तो बेसिक सीक्वेंस अगर हम देखते हैं कि लिथियम फिर बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ये होना चाहिए, बट बच्चे देखो ऐसा नहीं होता है क्योंकि और भी कुछ फैक्टर है जो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है? पेनिट्रेशन इफेक्ट है, सिबलिंग इफेक्ट है, हाफ फिलर फुल फिलर बाइटल्स है, ठीक है? जैसे हम इसको कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखते हैं बच्चे देखो कि लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है 1s2 2s1, बेरिलियम का जो होता है 1s2 2s2, बोरोन का जो होता है बच्चे 1s2 2s2 2p1 और कार्बन का है 1s2 2s2 2p2 और नाइट्रोजन का होता है बच्चे 1s2 2s2 2p3। तो ये बच्चे देखो ये हाफ फील्ड है, बट इन दोनों में थोड़ा कहानी गड़बड़ है बच्चे, तो यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि यहां पर जो हम देखते हैं दोनों में कि यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमें एस से निकालनी होगी और जो कि फुल फील्ड है, बट यहाँ पी से निकालनी पड़ेगी। एक तो रीजन ये हो गया कि जब एस से निकालेंगे तो क्या है ना एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है। ना पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होती है ना, ये सपोज ये न्यूक्लियस है तो इसमें 4 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं SpDF जो एस ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के पास है तो उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है। समझ पा रहे हो? तो इस वजह से
जो एस से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बल्कि ये पहले है कि नहीं? तो एक्चुअल कंसेप्ट क्या कह रहे ना, बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बोरोन से कम होनी चाहिए, तो बोरोन का बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट वर्कआउट करती है कि एस से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो उसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। इसे आपको देखना है कि बेरिलियम और बोरन में बोरन का क्या होगा ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा और बेरिलियम का ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ऑप्शन वन जो है ये करेक्ट है। समझ पा रहे, क्योंकि यहां पे एक फैक्टर नहीं फाइव फैक्टर इसको कंट्रोल करता है। एक फैक्टर नहीं कितने फैक्टर ना, फाइव फैक्टर इसको कंट्रोल करता है। इसलिए आपको ये देखना है कि ये पांच फैक्टर को कंबाइन इफेक्ट में देखते हैं। और नाइट्रोजन तो ऐसे ही हाफ फील्ड है जिसकी हमेशा होगा ही होगा ज्यादा, और दूसरी बात इसकी साइज भी छोटा है, जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी और सबसे कम लिथियम की। बट इन दोनों में थोड़ा सा क्या होगी, अल्टरनेशन आएगा कि बेरिलियम का जो है बोरन से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? हेलो बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 ग्राम ऑफ NaOH ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि द मास ऑफ NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिया है, 250 mg, 0 mg, 200 mg एंड 750 mg। फोर ऑप्शंस आर गिवन है, चार ऑप्शन हमारे सामने है। और इसमें क्या है, ये जो बच्चे देखो क्वेश्चन है ना, पहला चैप्टर 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि उस चैप्टर का जो क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली वन टाइप ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट का एप्लीकेशन है। क्या है ना, लिमिटिंग रिएजेंट का एप्लीकेशन है। उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि ये कि नहीं, NaOH प्लस HCl gives rise to NaCl plus water. Clear? तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि NaOH कितना दिया है ना, 1 ग्राम दिया, मास में दिया है। तो ये कितना दिया है ना, 0.75 मोलर और वॉल्यूम दिया 25 ml। अच्छा, अगर इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1/40, दैट इज इक्वल टू कितनी होगी ना, 1/40। तो 1 ग्राम बाय मोल होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 1/40 ये कितना हो गया ना, 0.025। बट इसको लेकिन बच्चे देखो स्टैंडर्डाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो मोलारिटी दिया है तो 25 ml में, तो 1000 ml में कितनी होगी ना, 25 × 0.75 = 1000 × 10, मुझे मोलारिटी निकालना है, तो कितना होगा ना, 25 × 0.75 / 1000 इज इक्वल टू कितनी होगी, एक सेकेंड मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ इसमें। ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 0.01875। तो इसलिए बच्चे ये देखो कि इसका मोल्स कितना आया ना, 0.01875 है। तो जितना एसिड है या जितना बेस है उतना ही एसिड रिएक्ट करेगा। अगर ये लिमिट ये कम है, देखो HCl कितना है ना, 0.01875, इसकी मोल्स हो गया दिस मच, इसकी मोल हो गया 0.025, ये है लेस क्वांटिटी है, ये है मोल है, तो बच कौन जाएगा, बस जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या हो गया, HCl क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट है। बट ये जो ज्यादा है
है कि नहीं, जितना HCl उतना ही NaOH कंज्यूम होगा, पर न्यूट्रलाइज होगा यहाँ पे सॉल्ट बनाएगा, जो रेस्ट क्वांटिटी है वो बच जाएगा, वो NaOH का है, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे, 0.025 माइनस 0.01875, अगर इसको मैं करता हूँ ऐसे में मोलार मास को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑलमोस्ट 250 mg आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन हमारा सही है, दैट इज 250 mg। समझ पा रहे? तो इसीलिए इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट है। तो मैंने और भी दूसरा तरीका है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आसान तरीका है, क्योंकि इसकी मोल दिया स्टैंडर्डाइज कर दिया, इसका मास से इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया, भाई जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो ज्यादा है वो कितना बच जाएगा, माइनस कर दिया तो NaOH इतनी बच जाएगा, ये मोल बच गया, मोल इनटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है बच्चे, देखो ये जीओसी का क्वेश्चन है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11 उसका क्वेश्चन है, और आईपीआर नोमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन या स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक दिया है कि कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 दिया हुआ है, H2 टर्शियरी कार्बन पर 3 डिग्री कार्बन है, और इट्स आईपीआर नेम क्या है बताना है। तो बच्चे देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, लेकिन भाई इसको आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे, बच्चे इन आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा बेटर कि मैं ऑप्शन वाइज चले जाऊँ, फटाक से मेरा काम हो जाएगा, एक या डेढ़ मिनट के अंदर मेरा काम हो सकता है। तो सबसे पहले मैं देख लूँ स्ट्रक्चर बना लूँ, पेंटेन दिया है, लेकिन 5 कार्बन है, लेकिन 2 पोजिशन मिथाइल, ये हो गया स्ट्रक्चर। दूसरा हो गया तो ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, लेकिन 4 कार्बन 2 और 3 में मिथाइल है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट है 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, 1 2 3 4, 2 में 2 बार है। फिर देख एन हेक्सेन है, एन का मतलब है देखो नॉर्मल चेन होता है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो एन का मतलब है बच्चे देखो नॉर्मल चेन होता है, क्या होता है नॉर्मल या स्ट्रेट चेन होती है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 2 में 2 बार मिथाइल ग्रुप है, बट क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि 2 टर्शियरी कार्बन कहाँ हो सकता है, टर्शियरी कार्बन 2 कहाँ पर और कौन सी स्ट्रक्चर में। टर्शियरी कार्बन का मतलब मैं आपको समझा दूं कि 3 डिग्री कार्बन का मतलब है दैट कार्बन दैट अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम, कार्बन अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम, क्लियर। सो यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर इसमें होंगे जिसमें एक कार्बन 3 अदर के साथ अटैच है, देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन 1 2 3 के साथ अटैच, इसमें एक ही टर्शियरी कार्बन है ये वाला, पर इसमें जाते हैं तो सेकेंड जो स्ट्रक्चर ये वाला कार्बन 1 2 3 के साथ ये एक टर्शियरी, यहाँ पर 1 2 3 के साथ यहाँ पर है बच्चे देखो 2 टर्शियरी, यहाँ पे क्या है ये क्वार्टरनरी 1 2 3 ये क्वार्टरनरी कार्बन हो गया, कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन 2 हमारा जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो कि ऑप्शन 2 में 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, तो स्ट्रक्चर जो बना दिया मतलब जल्दी होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 पोजिशन में टर्शियरी 3 में टर्शियरी कार्बन है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। बच्चे और क्वेश्चन के लिए एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 71 से लेकर के आगे का जितने भी क्वेश्चन है, तो आप दूसरे वीडियो में जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना एक ग्रुप बनी हुई है, ठीक है, तो एक के बाद एक जो छोटे छोटे वीडियो है 3 या 4 क्वेश्चंस का वीडियो है, आप जरूर देखना नहीं भूलना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।